संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, मैं देख क्या रायपुर के अंदर गलियों में मौलम फिरती गायें हैं आवारा पशु के रूप में। कई बार एक्सीडेंट होता है, गाय मर जाती है, मनुष्य मर जाता है। ये नौबत नहीं रहा है, तमाम पशुओं को बारे बना बना के रखा गया है। चारे का प्रबंधन वहां पर होता है, पीने के पानी का प्रबंध बहुत होता है, साफ सफाई रहती है, और गोबर जो होता है उनकी खाद बनता है और बायोमास बनता है, गैस बनती है, वो काम आती है। तो सरकार ने तय किया वो गोबर जो है 2 रुपए किलो सरकार खरीदेगी, पशुपालकों ने खरीदेगी। इस प्रकार से साफ सफाई भी रहेगी, दुर्घटना नहीं होगी और गोबर खेतों में काम आ जाएगा। इस प्रकार से योजना बनाई है, गोधन योजना एक आपात योजना है। कई बार कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है, बिजली गिर जाती है, ओलावृष्टि होती है और मुआवजा बहुत कम मिलता किसानों को। हमने कहा 15 लाख तक का मुआवजा मिले ये प्रावधान करेंगे, इंश्योरेंस बना करके हम लोग करेंगे। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, ये सीएम अशोक गहलोत की तरफ से देखिए कहा गया। और कांग्रेस सरकार में प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। खाद्य सामग्री का जो एक्ट है उसके अंतर्गत राशन की दुकान राशन देते हैं 1.5 करोड़ परिवार। 500 का गैस सिलेंडर अभी मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ जो उज्ज्वला योजना के परिवार है। अब धारा बढ़ा करके 1.5 करोड़ ला रहे हैं और साथ में सरकार बनेगी तो 500 का गैस सिलेंडर 400 रुपये में देंगे हम आप लोग 400 रुपये देंगे। दो छात्रों के लिए है। एक तो इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश की पढ़ाई बहुत आवश्यक होती है। मैं बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, क्या काम आएगी इंग्लिश पढ़ करके, मैं भी सोचता था। अब राजीव गांधी का सपना था, आज 21st सेंचुरी आ गई, कंप्यूटर मोबाइल फोन इंटरनेट सेवाएं होंगी, गूगल और यूट्यूब क्या क्या नहीं है, दुनिया मुट्ठी के अंदर हो गई। नॉलेज इज पावर। इसलिए हमने तय किया है अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज इंग्लिश से। जो बच्चे पढ़ते हैं दक्षिण के लोग इंग्लिश, वो दुनिया भर में घूमते हैं आईटी एक्सपर्ट बन के। हमारे बच्चे क्यों नहीं घूमे, हम भी चाहेंगे हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। ये सोच के हम लोगों ने फ्री के अंदर, एक तरह तो 50,000-1 लाख लगता है इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए बच्चों को, हम फ्री पढ़ा रहे हैं। 3,000 स्कूलें खोल दी हम लोगों ने और 3,000 स्कूलें खुली है, एडमिशन लॉटरी करना पड़ता है, इतनी भीड़ पड़ रही है। इसका मतलब गांव वालों ने भी इस स्कीम को वेलकम किया। हम चाहेंगे अब जो है गारंटी दे रहे हैं हिंदी के साथ साथ में जो मांगेगा उसको इंग्लिश स्कूल मिलेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। ये गारंटी और है छात्रों के लिए, क्योंकि आईटी का जमाना है, लैपटॉप टैबलेट बहुत महंगा होता, 20,000 रुपये के आसपास बन लगता है उसका, गरीब का बच्चा खरीद नहीं सकता। जब कॉलेज जाएगा फर्स्ट ईयर में जाएगा, 12वीं पास करके, इस बार 12वीं पास करेंगे, जाएंगे कॉलेज के अंदर, उनको जाते ही हम चाहते हैं कि पैसे वाले खरीद लेंगे लैपटॉप, गरीब बच्चा खरीद नहीं पाएगा, माँ बाप को कहेगा माँ बाप 20,000 रुपये कहाँ से लाए। तो सरकार ने तय किया 3 लाखों बच्चों को लैपटॉप टैबलेट फ्री देंगे हम लोग, सबको बांटेंगे। और लास्ट गारंटी ओपीएच गारंटी, ओपीएच का माननीय दृष्टिकोण हमने कानून बनाया है। आज पूरे देश के अंदर कर्मचारी जो है वो राजस्थान के कर्मचारी सब देख रहे हैं कि वो उन्होंने यहाँ जो लागू हुआ है ओपीएस, बुढ़ापे के अंदर कम से कम सिक्योरिटी होगी उनकी पेंशन की, वरना वो 1,000-2,000 पेंशन मिलती उन लोगों को। मैं कहना चाहूंगा इस फैसले को लेके केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही, मैनिफेस्टो कुछ नहीं लिखा बीजेपी ने। हम चाहते हैं बताएं वो क्या राय आपकी है, एक राय बताने के लिए तैयार नहीं वो लोग, उनका मैनिफेस्टो जो उनका खोखला है। न 25 लाख बीमे की बात वो कर रहे हैं, न ओपीएस की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं वो लोग, गोलमाल बात करके काम चलाए अपना। हम चाहते हैं ओपीएस सरकार बनेगी, कानून पास करेंगे, पक्का काम कर देंगे उसका। अब मैं चाहूंगा अगर आप चाहते हो कि आज तो क्रिकेट का मैच भी हो रहा है वर्ल्ड कप का, नौजवान हमारे बहुत इंतजार कर रहे होंगे देखने के लिए, और मैं भी चाहूंगा आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से,
खिलाड़ियों ने दुआएं हैं कि इस बार इंडिया जीते राजस्थान देश के अंदर। अब दो बातें हैं, एक तो यह है अगर आपको लगे हमने अच्छा काम किया है, काम की कमी नहीं है, आप कहीं जाओगे राजस्थान के अंदर सब कहेंगे साहब काम की कोई कमी नहीं रही, सरकार ने शानदार काम किया है। एक 90 साल के हमारे मेंबर पार्लियामेंट है पंडित राम किशन भरतपुर से, उन्होंने भाषण दिया अभी 10 दिन पहले, वो कह रहा हूँ कि मैंने मेरी जिंदगी में इतना काम कभी देखा ही नहीं, इतना काम आपने कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि कामों की कमी नहीं है। अभी मैं केरला गया था, केरला में वहाँ सरकार 70 साल में एक ही बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी सरकार आती है। इस बार मैंने आपको कहा लोगों ने कहा वापिस रिपीट होगी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की, मैं कहूँ क्यों भाई, फिर इसलिए होगी कि कोरोना में अच्छा काम किया। तो मैंने कहा यार कोरोना में अच्छा काम किया तो सरकार रिपीट होगी उनकी, मैंने कहा अगर वहाँ रिपीट हो सकती है तो कोरोना काम हमने उनसे कई गुना ज्यादा अच्छा किया, दुनिया में नाम हो गया भीलवाड़ा मॉडल का हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO वो तारीफ कर रहा है हमारे मॉडल की, दवाई फ्री, इलाज फ्री, ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मैंने कहा आप लोगों ने पूरी मदद करी एक दूसरे की, धार्मिक संस्थाओं ने भी, NGO ने भी, धर्मगुरुओं ने भी, कोई कमी नहीं रही। तो फिर सरकार कैसे रिपीट हमारे नहीं होगी जो इतने काम हमने किए हैं, और कोरोना के अलावा भी इतनी सीमें गिना रहा हूँ आपको, ये तो बहुत कम है, लंबी फहरिस्त है। इतना हमने फैसले किए इस बार, शिक्षा में, स्वास्थ्य में कानून पास कर दिया शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार का, तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, बिजली में, पानी में, सड़कों में, एक और लोग पेंशन दे रहे हैं हम लोग बुजुर्गों को, विधवाओं को, निस्सज्जनों को 1,000 रुपये पेंशन, अधिक पेंशन है, और 15% अपना बड़े के आगे वो प्रोविजन कर दिया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ये सब काम मैंने किए हैं, गुड गवर्नेंस दी है, गारंटी दी है, लागू हो गई महंगे रात की गारंटी है, 7 घंटे और दे रहे हैं। तो केरला में रिपीट हो सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती, बता दीजिए आप लोग। अगर आप कहते होगी, कहते हो क्या, अगर होगी, अगर आप कहते हो होनी चाहिए आप कहते हो, तो बगैर जो है बगैर मनी से गुजर के जीते हुए नहीं हो सकती है, ये जीतेगी तो ही वापस रिपीट होगी। आप सोच सकते हो लोकतंत्र में तो 101 चाहिए, 101 आएंगे तो सरकार बनेगी हमारी, हम तो 56 की बात कर रहे हैं, मिशन 56 जो 98 में आपने मुझे दिया था जब मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना 25 साल पहले, तब आपने मुझे 156 दिए थे। मैंने कहा 56 का सपना देखो इस बार भी, हो सकता है जनता पार लगा दे, ऐसा माहौल बना हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा मनीष साहब को जिताओ आप, ये दमकम वाली लेडी है, जम के आपकी पैरवी करेगी, विकास में कोई कमी नहीं आने देगी, जो आप कहोगे इनको वो सब काम करके दिखाएगी, मेरा पूरा समर्थन इनके साथ रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपके जिले में जो 7 सीटें हैं, आप कृपा करके झुंझुनू में वीरेंद्र ओला, नवलगढ़ में राजकुमार शर्मा, पीतराम काला पिलानी में, मंडा में रीता चौधरी, सूरजगढ़ में श्रवण कुमार, खिजड़ी में मनीष गुर्जर, उदयपुर वाटी में अफगान राम सैनी, आप प्रयास करो जहाँ पे बस चलता हो, ये मिशन के रूप में है, यज्ञ के रूप में है, यज्ञ में आप आहुति दो कामयाब करने के लिए, रास्ता में भला होगा, सरकार बदलती है अधिकारी स्कीम बंद कर देते, वो लोग हम बंद नहीं करते अपनी स्कीमों को, उनकी फितरत बंद करने की है, उनकी सोच नकारात्मक है, हमारी सोच सकारात्मक रहती है। इतने में कहना चाहूंगा आपको, अभी जो कैंपेन चल रहा है राजस्थान में बीजेपी का, केंद्र नेताओं का हो चाहे राज्य के नेताओं का हो, बहुत नेगेटिव कैंपेन है, पॉजिटिव कैंपेन नहीं है, जिसमें वो बताए हमारी गलतियां बताए, हमारी कमियां बताए, हमारी खामियां बताए, वो नहीं बताएंगे, उस पर बहस करें हमसे, तब जाके लोकतंत्र मजबूत रहता है। इनका लोकतंत्र यकीन नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ED, इनकम टैक्स, CBI के दुरुपयोग कर रहे हैं,
राज करें डेरा करके धमका करके पूरे देश को कब तक चलेगा? सर जाएंगे धजा उड़ा रहे हैं। एक तरफ तो आपके केरले के महाराजा ने भेज दिया स्वामी विवेकानंद जी को विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर, आज भी लोग इतिहास में नाम याद करते विवेकानंद का नाम याद करते, आप कहें तो शानदार स्मारक बन रहा है। 4.5 करोड़ रुपये हमने दिए इस स्मारक में, जो मांगा हमने पूरा किया है। यहाँ पे ये होता है जैसे आपके अजीत सिंह जी महाराज ने दिया, वैसा ही जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाबा साहब छात्र थे, उनको बड़ौदा के महाराज ने भेज दिया था लंदन पढ़ने के लिए। आप तैयार हो, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता बन गए, इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो आज हम 500 बच्चों को भेज रहे हैं दुनिया के मुल्कों में पढ़ाने के लिए, लैपटॉप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? IT बेस्ड एक्सपर्ट बने वो। 500 बच्चे की सरकार फीस दे रही है आने जाने की, कॉलेज फीस दे रही है, किराया दे रही है आने जाने के 500 बच्चों प्रति वर्ष। वो बच्चे बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, टेक्नोक्रेट बनेंगे, IT एक्सपर्ट बनेंगे, ये सोच करके। वो राजस्थान बच्चे होंगे, हिंदुस्तान की सेवा करेंगे, ये सोच करके। इसलिए मैं आपको ये अपील करना चाहूंगा, कृपा करके, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे जो खड़े हुए निर्दलीय साथी पूर्णलाल सैनी जी, अगर वो कोई पार्टी के होते तो मैं कुछ नहीं कहता। मैं उनको कहना चाहूंगा, जब आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो तमाम वोट एक साथ मनीषा गुर्जर को पड़े। वोट का देखो बिखराव नहीं होना चाहिए। देखो राजभवन आपको है तो एक एक वोट कीमती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करी है, निवेदन कर रहा हूं कि एक एक वोट कीमती है, बिखराव नहीं हो, एक मुफ्त पड़े मनीषा को, कामयाब हो, ये मेरी हार्दिक इच्छा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस आम सभा में अपनी उपस्थिति से ऊर्जा के चरमोत्कर्ष पर युवाओं के और खेतड़ी के प्रत्येक नागरिक के मनमानस को ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी बहन, हमारी बेटी मनीषा प्रधान को इस विश्वास के साथ आशीर्वाद देने के लिए। तो सीएम अशोक गहलोत अभी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हमने आपको सुनाया बीजेपी के पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं, ये उनके तरफ से कहा गया। और तमाम बड़ी बातें देखिए कही गई हैं सीएम अशोक गहलोत की तरफ से। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया कि कांग्रेस के पक्ष में वोट दे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, ये उनके तरफ से कहा गया। हमने जनता का 25 लाख का बीमा किया लगातार, देखिए जो भी विकास कार्य राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं वो सीएम अशोक गहलोत लोगों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के पास देखिए कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, ये उनके तरफ से कहा गया। राजस्थान की योजनाओं से अब बीजेपी घबरा गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है और तमाम बड़ी बातें आज सीएम अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल भी साथ हैं। राहुल गांधी प्रदेश भर की सीटों का फीडबैक ले रहे हैं।